नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा था हमने ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि देखो, हम जब ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, तो क्लास में जब बच्चे हमारे सामने होते हैं तो हम उनसे हमारा डायरेक्ट संपर्क बन जाता है। हम उनसे पूछ सकते हैं कि देख सकते हैं किसको समझ में आ रहा, किसको नहीं आ रहा। लेकिन अभी हम ऑफलाइन हम पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन कमेंट सेक्शन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से मैं पता कर सकती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे आपको लग रहा है। आप अपना फीडबैक देख सकते हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक शेयर तो आप करते रहिए, इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहिए बीच बीच में। और दोस्तों, यदि आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर LT या लेक्चरर हिंदी से भी तैयारी करवा रही हूँ, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे LT ड्राइंग से भी तैयारी करवाई जाती है। और करंट अफेयर्स का हमारा एक विशेष सीरीज यहाँ पे चल रहा है जिसका नाम है 1D1 टॉपिक। आप चाहो तो उसे भी पढ़ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, शब्द निर्माण की विधियाँ, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण की कितनी विधियां हैं, तो आपको बतानी है 4, क्योंकि हमारे शब्द निर्माण मतलब शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो वो 4 प्रकार से होता है। और ये 4 विधियां कौन सी हैं? पहली विधि है उपसर्ग, दूसरी है प्रत्यय, तीसरी है संधि, चौथी है समास। तो ये 4 विधियां हैं जिनसे हमारे हिंदी व्याकरण में शब्दों का निर्माण होता है। अब हम इन 4 विधियों को, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, उपसर्ग और प्रत्यय तो बहुत छोटे टॉपिक हैं, लेकिन संधि और समास काफ़ी मतलब लग जाएंगे, काफ़ी दिन लग सकते हैं, या फिर हो सकता है एक ही वीडियो में भी आपको समझाया जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से और आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपके कोई डाउट ना रहें, आपके कोई क्वेश्चन ना छूटें। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे आगे। तो देखो, ये 4 विधियां मैंने आपको बताई। सबसे पहली विधि है उपसर्ग विधि। अब उपसर्ग आपने अक्सर सुना होगा, आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा भी गया होगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ना। जैसे मान लो एक शब्द मैं लिखूं गमन, ठीक है, गमन का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक, अब इसमें मैं उपसर्ग जोड़ देती हूँ, यानी कि एक शब्द मैंने जोड़ा आ, ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आगमन। और आगमन का मतलब होता है आना। अभी जब हमने केवल गमन पढ़ा था तो गमन का मतलब क्या था, जाना, ठीक, और उसमें आ उपसर्ग जुड़ गया तो वो क्या हो गया, आगमन हो गया। यानी कि विलोम शब्द हम किससे बना सकते हैं, उपसर्ग जोड़ करके एक हम क्या बना सकते हैं, विलोम शब्द। इसी प्रकार हम उपसर्ग लगा करके समानार्थी या पर्याय शब्द भी बना सकते हैं, पर्यायवाची भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के शब्द हमारे यहाँ पे बन जाएंगे, किससे, जब हम उपसर्ग वाले, कल हम उपसर्ग वाले अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि किस तरह से हमारे शब्द निर्माण होते हैं उपसर्ग लगाने से। ठीक, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्दांश जो मूल शब्द में, ध्यान रखिए, आपसे कभी प्रश्न भी बनेगा मूल शब्द। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हमने, मान लो आगमन आपसे पूछ लिया जाए और कहेंगे कि इस आगमन शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, गमन क्या है, इसमें मूल शब्द है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में आ भी दिया होगा, गमन भी होगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन, गमन का मतलब जाना, तो आपको सबसे पहले उसमें से एक सार्थक शब्द को अलग करना है और फिर देखना है कि उसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है। आपको उसका अर्थ जब मिल जाए तो फिर आपको उसमें क्या जोड़ देना है, आ जोड़ देना, यानी कि फिर आपका उपसर्ग निकल आएगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि उपसर्ग से विलोम भी बन सकता है और